अच्छा, कल की कंटिन्यूटी में सबसे पहले तो देखिएगा कि हमने लास्ट में एक बात की थी कि एक चीज होती है जिसको जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है, या अगर कोई बच्चा जो है वो, अगर कोई कपल जो है वो दे वांट अ चाइल्ड, तो ऐसी सूरत में काउंसलिंग वगैरह जो है वो की जाती है। और बाकायदा काउंसलर्स जो हैं, जेनेटिक काउंसलर्स, वो हॉस्पिटल्स का हिस्सा बनाए जाते हैं, वो हॉस्पिटल्स का हिस्सा होते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। यहाँ पर जो है वो अभी फिलहाल इस चीज का इतना बहुत ज्यादा जो है वो एहतमाम नहीं किया जाता, जो कि इतनी बुरी बात ऐसा इसलिए नहीं है, जिसके मतलब जिसका मुझे इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अंदाजा कर चुके हैं कि जो रिसेसिव लीथल एलील्स हैं वो अगर आपकी पेडिग्री में, आपकी फैमिली पेडिग्री में अगर रिसेसिव लीथल एलील्स छुपे भी हुए हैं, तब भी ऐसा हो सकता है कि वो अगले बच्चे में अपीयर हो जाएं। अगर आपके फैमिली में नहीं अपीयर हुए, इसका मतलब है इट इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि आपके जो वालदेन हैं उनके अंदर जो है वो ऐसा कोई अपीयर नहीं हुआ, या कम से कम अगर एक हेट्रोजाइगस था तो दूसरा होमोजाइगस डोमिनेंट था, तो इसका मतलब है वो एलील हिडन हो गया। तो रिसेसिव एलील के कैरियर होने की वजह से इस बात का ध्यान जो है वो बड़ा जरूरी हो जाता है, और वो फिर सारी जिंदगी का एक जो है वो मसला होता है। अब मुझे नहीं पता इसके बारे में जो है वो जो फतवा या इस तरह की चीजें वो क्या है, लेकिन अगर इस चीज के बारे में जान लिया जाए पहले से तो वो बड़ा जरूरी होता है। खास तौर पर मैंने आपको बताया ना, दो तरह की काउंसलिंग होती है, एक ये कि बिफोर मेकिंग द डिसीजन ऑफ हैविंग अ चाइल्ड, आप जो है वो या बिफोर मैरिज या बिफोर मेकिंग द डिसीजन, तो उसमें फिर जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है। ऐसी सूरत में क्या होता है कि फिर आपका जो है वो पेडिग्री टेस्ट किया जाता है, कि अगर आपको ये डिसऑर्डर है, आपको ऐसे फील होता है, तो उसका पेडिग्री टेस्ट किया जाता है। आपके एक दो टेस्ट करवाए जा सकते हैं कि हाँ भाई थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया मेजर, इस तरह के, तो उसके जरिए फिर पूरी पेडिग्री बनाई जा सकती है कि आपकी फैमिली में ये इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है, ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो है वो अगर तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इस तरह की कोई जो है वो जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है, तो फिर उसमें कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो स्पेसिफिकली आपको बच्चे की पैदाइश से पहले बता दिया जाता है, जिसमें आपकी एक डिजीज है जिसका जिक्र पहले भी एक जगह एक दफा आ चुका है, टे सैक्स डिजीज, ठीक है, इसका जिक्र पहले भी आ चुका है। और ऐसी सूरत में क्या होता है कि एमनियोसेंटेसिस की जाती है। अब एमनियोसेंटेसिस में सबसे पहले तो समझिए एमनियो का मतलब क्या है। एमनियो का मतलब है एमनियो इज रिलेटेड टू एमनियन। एमनियन जो लेयर है उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो एम्ब्रियो की लेयर होती है, तीन लेयर्स होती है, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस। तो ये एमनियोसेंटेसिस है, उसमें कुछ फीटल सेल्स मौजूद होते हैं, और ये जो फीटल सेल्स हैं इनको खास किस्म के सिरिंज के जरिए, बहुत ही बारीक सिरिंज के जरिए एमनियोटिक बैग में इंसर्ट किया जाता है। सिरिंज, उसकी जो सिरिंज की नीडल होती है, और वहां से थोड़ा सा फ्लूइड लिया जाता है, और वो फ्लूइड लेके टेस्ट किया जाता है कि इस बच्चे का जो डीएनए है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, और बाकायदा ये टेस्ट जो है ये परफॉर्म होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट है उसमें वो टेस्ट है रिगार्डिंग कोरियन विलस सैम्पलिंग। कोरियन तीसरी लेयर है जो उसके साथ होती है, आपका जो बनता है ना प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बाद बहुत से एक हिस्सा होता है जो सबसे अंदर की लेयर का होता है, जिसको कोरियन कहते हैं। कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, तीन लेयर्स है ना। तो प्लेसेंटा में कुछ सेल्स होते हैं जो कोरियन लेयर के होते हैं, मतलब कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, तीन लेयर्स है ना। तो एक तो हमने एमनियन का जो सेल्स लिए थे वो तो हमने नीडल इंजेक्ट करके एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लिया था, वो फ्लूइड वही है जिसको वाटर बैग कहा जाता है, जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये दूसरी चीज है जिसको आप कहते हैं कोरियन, कोरियन जो है वो प्लेसेंटा के साथ जुड़ी हुई होती है। प्लेसेंटा जो कनेक्शन है मदर और फीटस के दरमियान में, प्लेसेंटा के साथ कोरियन के कुछ सेल्स जो है वो अटैच होते हैं, और वहां से कोरियन के सेल्स लेकर उनका जो है वो उनकी सैंपलिंग जो है वो की जाती है। ये देखिएगा, अ फिजिशियन इंसर्ट्स अ नैरो ट्यूब थ्रू द सर्विक्स, ये ओपनिंग ऑफ यूट्रस है, इनटू द यूट्रस एंड सक्शंस आउट अ टाइनी सैंपल ऑफ टिश्यूज फ्रॉम द प्लेसेंटा। अब यहां से वो लेता है, और उसके बाद क्या किया जाता है कि द सेल्स ऑफ कोरियोनिक विलाय ऑफ द प्लेसेंटा द पोर्शन सैंपल आर डिराइव फ्रॉम द फीटस, मतलब फीटस इसके अंदर वही डीएनए सीक्वेंस होता है जो फीटस का आने वाला होता है। यानी कोरियन के जो सेल्स बनते हैं, यहां वो क्या चाह रहा है
कि कोरियोन के सेल्स मदर नहीं बनाती बल्कि कोरियोन के सेल फीटस से बनते हैं। तो अगर आप कोरियोन के सेल उठा लेते हैं तो आप जो है वो टेस्टिंग कर सकते हैं बच्चे के डीएनए सीक्वेंस की और ये गेस कर सकते हैं कि आगे क्या डिजीजेस जो है वो अकर होने वाली हैं या बच्चे में कौन सा जो जीन है वो रिसेसिव होने वाला है। फिर एक और टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जाहिर है पीसीआर की जा सकती है, इसमें स्पेसिफिक सैंपलिंग की जा सकती है, खासतौर पर पीसीआर जब की जाती है, पीसीआर के बाद जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं आप, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद जो है फिर आप उसको कंपेयर करते हैं, ब्लॉटिंग करते हैं, ब्लॉटिंग करने के बाद आप उसको कंपेयर करते हैं कि ये नॉर्मल डीएनए है और ये बच्चे का डीएनए, इसमें कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये बहुत ही एफिशिएंट मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। तीसरी देखिए, ये जो दो हमने टेक्निक बताई है ना, एक है एमनियोसेंट्रिक, एमनियन के जरिए जो हम करते हैं, दूसरी कोरियोन के जो सेल्स हम जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। दो मैंने आपको टेक्निक्स बताई, ये दोनों रिस्की हैं। इन दोनों में जो है वो प्रीमेच्योर बर्थ स्टिम्युलेट होने का चांस है, क्योंकि प्रीमेच्योर बर्थ कब होती है, जब कोई भी डैमेज जो प्लेसेंटा है उसको हो और वो जो प्लेसेंटा है वो किसी भी वजह से एकदम बर्थ के स्टिमुलस को जनरेट करे और उसके बाद जो है वो बच्चे की बर्थ हो जाए, तो ये बड़े खतरनाक होते हैं। इसमें मिसकैरेज वगैरह हो सकते हैं, ये जरा डेंजरस होते हैं। ये उनमें ज्यादा होते हैं जो 35 साल की उम्र से ऊपर जो फीमेल्स होती हैं, जो किसी बेबी को बर्थ दे रही होती हैं, उनके अंदर ये ज्यादा टेस्ट होते हैं। क्या वजह है कि उनमें डाउन सिंड्रोम और इस तरह के सिंड्रोम्स होने के चांसेस, जो क्रोमोसोम रिलेटेड खासतौर पर डिजीजेज होती हैं, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें ये जो आप लोगों का जो कोरियोन विल्लस सैंपलिंग है, CVS कोरियोन विल्लस सैंपलिंग और एमनियोसेंट्रिक, इनमें असल में कैरियोटाइप ड्रॉ होती है। कैरियोटाइप ड्रॉ करते हैं आप, और कैरियोटाइप भी ड्रॉ करके और डीएनए सीक्वेंसिंग भी करके दोनों लिहाज से टेस्टिंग करके देखा जाता है कि बच्चा जो है वो ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये दोनों रिस्की, इन दोनों में डेंजरस जो है वो एंगल मौजूद है। दो तरीके और हैं जो कि बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, जो कि आमतौर पर जो यंग मदर्स होती हैं बिलो द एज ऑफ 30 उनका किया जाता है। पाकिस्तान में तो जाहिर है जो ओल्ड मदर्स हैं उनका भी यही किया जाता है जो मैं अब बताने लगा। एक तरीका ये है कि जो मदर का ब्लड होता है उसमें प्लेसेंटा के करीब के एरिया में, के ब्लड में, प्लेसेंटा के जो करीब का ब्लड होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं फीटल सेल। कुछ फीटल सेल्स निकल के मदर के ब्लड में आ सकते हैं, ठीक है। ऐसी सूरत में मदर का ब्लड खासतौर पर उस रीजन से लेके जो है उसकी सैंपलिंग की जाती है और देखा जाता है कि बच्चे के सेल्स अगर इसमें मौजूद है तो उनकी कैरियोटाइपिंग और उनकी डीएनए सैंपलिंग वगैरह की जा सकती है। तो एक तरीका यह है कि मदर के ब्लड से फीटल सेल ले लिए जाए, अगर वो फीटल सेल मदर के ब्लड में मौजूद है और ज्यादातर मौजूद हो सकते हैं। चौथी टेक्निक जो आमतौर पर यूज होती है वो अल्ट्रासाउंड है। साउंड वेव जो है उनके जरिए बच्चे का इमेज बनाकर देखा जाता है और इसको बड़े ही मतलब टेक्निकल तरीके से स्टडी किया जाता है। पूरी पूरी इसके अंदर जो है वो एक पूरी स्टडी होती है जिसमें एक एक चीज जो है वो आपको देखनी पड़ती है कि कहाँ से कहाँ जो है वो अगर बच्चे का रुख होगा या कहाँ से कहाँ पर आउटग्रोथ होगी तो बच्चा जो है वो डेंजर में है, और कहाँ से कहाँ बच्चा जो है वो उसके जेंडर किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको ये कैसे देखना है कि उसके जो है वो सर में या उसके साइज में इस महीने तक कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा गड़बड़ तो नहीं है। फिर उसकी हार्ट बीट वगैरह अल्ट्रासाउंड के जरिए देखी जाती है। ये सारा कुछ ये सेफेस्ट मेथड है। अल्ट्रासाउंड वैसे कहा यह जाता है कि अल्ट्रासाउंड इज शुड नॉट बी डन सो मेनी टाइम, मतलब बहुत सी जैसे मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो अपने वाइफ के हवाले से शेयर करता हूँ कि डॉक्टर जो है वो उन्होंने मुझे, ये तकरीबन 45 साल का एक्सपीरियंस उन डॉक्टर का था, उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपनी वाइफ को जो है वो इतनी दफा अल्ट्रासाउंड मत करवाइए हर महीने, अगर आपको प्रॉब्लम कोई फील नहीं होती तो एक अल्ट्रासाउंड के बेस पर काम चल सकता है एक, और उसके बाद फिर सातवें आठवें मंथ में फिर जाकर होता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये जो टोटल प्लान होता है इसमें अल्ट्रासाउंड भी टू मच टाइम्स, अगर कहा जाता है कि ये सेफ है लेकिन इट शुड नॉट बी डन टू मच टू मेनी टाइम, ठीक है। तो इसको जो है वो लेकिन ये सेफ मेथड समझा जाता है और आमतौर पर ये जो है वो परफॉर्म किया जाता है। बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसे इश्यूज जो हैं वो पहले से बताए जा सकते हैं, लेकिन ये बात है कि आप अल्ट्रासाउंड से जेनेटिक प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते। आप ये नहीं बता सकते कि बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके लिए आपको या ब्लड सैंपलिंग करनी पड़ेगी या एमनियोसेंटेसिस करनी पड़ेगी या फिर कोरियोन विल्लस सैंपलिंग आपको करनी पड़ेगी।
और पर्टिकुलरली जो इनमें सबसे एफिशिएंट मेथड है जेनेटिक प्रॉब्लम डिफाइन करने का, जेनेटिक प्रॉब्लम फाइंड आउट करने का, वो कोरियॉन विलस सैम्पलिंग है, जिसमें कोरियॉन प्लेसेंटा के कॉर्नर पे जो कोरियॉन के सेल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वो सबसे एफिशिएंट मेथड है, उसमें कैरियोटाइप भी नहीं बनानी पड़ती आपको, आप बहुत एफिशिएंटली वो जो है वो उसका रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द जेनेटिक काउंसलिंग एंड फीटस टेस्टिंग। ठीक है, ये जो है वो टोटल है। आपको क्वेश्चन है तो बताइए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैं आपसे जिक्र कर दूं, एक और चीज जो परफॉर्म हो रही है हमारे यहाँ पर भी हो रही है, वो है न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग। बच्चे की पैदाइश के बाद उसके टेस्ट किए जाते हैं स्पेशली, और उसमें फिनाइल केटोन्यूरिया का खास तौर पे टेस्ट किया जाता है, जो फिनाइल एलानिन है, ये एक ऐसा जो है वो इसका डीग्रेड होना बड़ा जरूरी होता है। ये देखिएगा इसमें वो बताता है, फिनाइल एलानिन जो है ये मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, इसके जो इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है फिनाइल पायरूवेट, ये टॉक्सिक लेवल्स तक ब्लड में एक्यूमुलेट हो सकता है और मेंटल रिटार्डेशन का बायस बन सकता है। ये स्पेसिफिकली उन अमाइनो एसिड्स में से है जो अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा ऑक्सीडेंट्स होते हैं। ऑक्सीडेंट्स मतलब ये जो है वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के जो है वो इस काबिल होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडेटिव कंपाउंड होता है, जो ऑक्सीडेशन करवा सकता है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो ऑक्सीडेटिव एजेंट है वो क्या कर सकता है, वो दूसरे कंपाउंड में से जाकर इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, यानी वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। अब ये जो ऑक्सीडेशन होती है, इसमें जो कंपाउंड होते हैं हमारे वो अनस्टेबल हो जाते हैं। खास तौर पे आपसे इस हवाले से मैं ये डिस्कस करूंगा कि जब आप एक दफा जो है वो कोई बहुत गर्म गर्म चीज खाते हैं, तो आपके जो जबान, माउथ और एसोफेगस के सेल्स हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से उन सेल्स की डेथ जल्दी हो सकती है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये आपके बॉडी के अंदर आकर आपको बकायदा जो है वो ऐसे कंपाउंड्स प्रोवाइड करते हैं जो अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन हुई हुई है किसी कंपाउंड की, तो आप एंटीऑक्सीडेंट ले ताकि बॉडी के अंदर जो है, और एंटीऑक्सीडेंट बकायदा आपकी बॉडी से फैट निकालने का जो है वो काम भी करते हैं। तो ये बकायदा जो है पूरा डाइट टेस्टिंग भी होती है। तो कहने से मुराद ये है कि वो जो फिनाइल एलानिन है वो एक ऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, ऑक्सीडेशन कर देता है बहुत से कंपाउंड्स की, और उसके नतीजे में फिर जो है वो मेंटल रिटार्डेशन का बायस जो है वो बन सकता है। इनकी जो है वो बकायदा टेस्टिंग की जाती है बच्चों की जो पैदा हो जाते हैं, उसके बाद उनकी टेस्टिंग जो है वो की जाती है। और उनकी टेस्टिंग असल में की क्यों जाती है, ताकि पहले से अंदाजा लगाया जा सके कि बच्चा जो है वो किन मुश्किलात में घिरेगा और उसका क्या इंतजाम ऑलरेडी होना चाहिए, खास तौर पर रिगार्डिंग वो जो है ये सिस्टिक फिब्रोसिस। थैलेसीमिया तो है, सिस्टिक फिब्रोसिस जो आपने कल पढ़ा था कि 5 साल से ज्यादा बच्चा नहीं जी सकता, तो उस टाइम पर फिर टेस्ट किया जाता है, और उस टाइम पर कोई ना कोई कोशिश ये की जाती है कि जो क्लोरीन की एक्यूमुलेशन हो रही है, क्लोरीन चैनल ना बनने की वजह से जो क्लोरीन की एक्यूमुलेशन हो रही है उसको किसी तरह अवॉइड किया जा सके, ताकि म्यूकस ना बने इतनी ज्यादा। तो सिस्टिक फिब्रोसिस के टेस्ट और इस तरह के टेस्ट वगैरह भी किए जा सकते हैं। ठीक है जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए। अब यहां से आपने जो है वो असल में आपने जितना ये चैप्टर पढ़ा, दैट वाज रिगार्डिंग मेंडेलियन बेसिस ऑन ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडेलियन बेसिस है, मेंडेलियन बेसिस में आपने काफी कुछ पढ़ा कि ये जो इनहेरिटेंस होती है ये कैसे जो है वो इसके इंडिविजुअल इनहेरिटेंस क्या होती है और कलेक्टिव इनहेरिटेंस यानी एपिस्टेसिस और प्लियोट्रॉपी वगैरह क्या होते हैं, ये आपने एक कलेक्टिव जो है वो एक पूरी स्टडी की इस पूरे चैप्टर में। अब यहां पर जो है वो आपने नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है, यू आर गोइंग टू स्टडी द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आप ये दो ब्रांचेस जो हैं इनको कंबाइन करने पर मजबूर हैं, कौन सी, एक जेनेटिक्स और दूसरा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी और जेनेटिक्स को आप कंबाइन करने पर क्यों मजबूर हैं, क्योंकि साइटोलॉजी जो है वो आपको बताती है माइटोसिस और मियोसिस का, और खास तौर पर मियोसिस का, ठीक है, जिसमें वेरिएशन आती है और जेनेटिक्स की बेसिस बनती है, और जेनेटिक्स आपको बताती है कि ये सब कुछ काम जो है वो कौन कैरी करता है, कैरेक्टर्स या जो जो भी चीजें इनहेरिट होती है वो जीन्स होते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी ही आपको बताती है कि माइटोसिस में जो चीज
डबल होती है और उसके बाद हाफ हो जाती है, या हाफ होती है और बाद में दोबारा जो है वो डबल हो जाती है, वो क्रोमोसोम है, ठीक है। और क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर एक्चुअली जीन्स होते हैं। और एक चीज जो आप लोग अपने जो है वो बहुत पहले से पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस में भी, वो है वॉल्टर सटन की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें वॉल्टर सटन ने सबसे पहले तो मेंडेलियन जो है वो ये जो पूरे लॉज थे इनके हवाले से वॉल्टर सटन ने एक खास किस्म की रिपोर्ट दी थी। और वो क्या थी कि वॉल्टर सटन ने ये कहा था कि ये जो मेंडल है इसने बताया कि जी जो जीन्स हैं वो अगली नस्ल में जाते हैं, या कम से कम मेंडल ने एक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बता दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें ये पता लगा कि जो क्रोमोसोम है वो है 46, क्रोमोसोम्स 46 है। वॉल्टर सटन ने ये कहा था कि क्रोमोसोम जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो भी अगली नस्ल में लेकर जानी होती है इनहेरिटेंस वो क्रोमोसोम लेकर जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अगली नस्ल में लेकर जाते हैं आपके तमाम जीन्स को, तो फिर ये जो क्रोमोसोम 46 हैं तो कैरेक्टर्स इतने ज्यादा क्यों हैं। इस बात को सॉल्व किया था किसने, मॉर्गन ने, कि भाई अगर क्रोमोसोम 46 हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स भी 46 होने चाहिए थे। क्योंकि पहले क्या समझा जाता था, पहले ये समझा जाता था कि जितनी इनहेरिटेंस है वो टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, इससे आगे कुछ नहीं है, मतलब जीन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जीन्स का कॉन्सेप्ट बहुत लेट आया, उससे पहले क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट आ चुका था। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये कहती थी कि जो सोलली जो आपके इनहेरिटेंस जो है वो जो कैरी करते हैं वो सोलली क्रोमोसोम्स करते हैं, सोलली मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स करते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि फिर कैरेक्टर इतने ज्यादा क्यों है, आप तो अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं 46 कैरेक्टर, उसके बाद इतने ज्यादा कैरेक्टर मौजूद है हमारी बॉडी में कि हम कहां जाए। फिर ये हो नहीं सकता कि सिर्फ क्रोमोसोम पार्टिसिपेट कर रहे हों। तो ये जो काम, ये जो बात की थी, इट वॉज सॉल्व बाय द मॉर्गन, जिसको मैं कहता हूं इट वॉज द सेकेंड फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पीछे जो जेनेटिक्स की बेसिस बनाने वाला जो पर्सन था मेंडल के बाद, वो मॉर्गन था, हु एक्चुअली डिराइव्ड द आइडिया ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, के क्रोमोसोम किस तरह से पार्ट्स प्ले करते हैं। और ये आइडिया जो है वो मॉर्गन ने ही दिया था कि ये जो जीन्स हैं, जीन्स ये असल में अटैच्ड होते हैं क्रोमोसोम्स पर। यानी क्रोमोसोम एक ऐसा कंपाउंड है कि जिसके पास जीन्स मौजूद होते हैं, और क्रोमोसोम को उसने किसका दर्जा दिया, जब उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसने दर्जा दिया क्रोमोसोम्स को किसका, उसने दर्जा दिया था जेनेटिक वेहिकल या हेरिडिटरी वेहिकल का उसने नाम दिया था, कि ये जो वेहिकल है इसके ऊपर बैठ के तमाम जीन्स जो है वो अगली नस्ल में जाते हैं, और ये जीन्स अगली नस्ल में जाके अपने अपने कैरेक्टर्स जो है वो शो करते हैं। ये मॉर्गन ने कहा था, मेंडल और एनी अदर साइंटिस्ट कुड नॉट ड्रॉ दिस आइडिया आउट दैट ओनली द क्रोमोसोम्स आर जेनेटिक वेहिकल्स, और जो क्रोमोसोम्स है उनका इक्वल पार्ट होता है। क्यों? अगर क्रोमोसोम में गड़बड़ आ जाती है तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि क्रोमोसोम की गड़बड़ जो है वो क्या कहलाती है, क्रोमोसोमल एबरेशन कहलाती है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा था क्रोमोसोमल एबरेशन के नाम से, क्रोमोसोमल एबरेशन, और ये आप पहले भी पढ़ के आए हैं, यहां भी थोड़ी बहुत डिस्कस होगी, बहुत ज्यादा डिटेल हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सी बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता होती हैं। क्रोमोसोम एबरेशन के नाम पे आप लोगों ने ये पढ़ी हुई है। दूसरी चीज जो आपने जो है वो क्रोमोसोम के बारे में पढ़ी हुई है वो ये है कि क्रोमोसोम में से बहुत से क्रोमोसोम ऐसे हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन में काम लेते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेंडर डिफाइन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेंडर के लिहाज से दो ऑर्गेनिज्म को, या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है उसको डिफाइन करने के लिए कौन अपना पार्ट प्ले करता है, क्रोमोसोम अपना पार्ट प्ले करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ जीन्स जाते हैं और वो एक पैकेज में नहीं होते, वो भी गलत है, और अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल हैं उसके ऊपर और कुछ नहीं है, तो वो भी गलत है। क्रोमोसोम एक पैकेज ऑफ जीन्स होता है, लेकिन अगर क्रोमोसोम में गड़बड़ हो जाए, जीन सही है क्रोमोसोम में गड़बड़ हो जाती है तो भी नुकसान है, और अगर क्रोमोसोम ठीक है जीन में म्यूटेशन हो जाती है तो भी नुकसान है। तो ऐसी सूरत में आपको, आपने एक एंगल तो पढ़ लिया कि जेनेटिक जो इनहेरिटेंस है क्या है या मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या है, अब आपने क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पढ़नी है। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में जो बेसिक बातें हैं वो जरा जल्दी से डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। बेटा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है
जो क्रोमोसोम है उनके अंदर जब मियोसिस होती है तो उससे जो है वो वैरायटी आती है, ठीक है, वैरायटी आती है। यानी जब आप इन दो ब्रांचेस को मिलाते हैं तो आपको समझ आती है कि असल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो वैरायटी आई है उसका ओरिजिन क्या है। ये जीन नहीं थे जिन्होंने अपने अंदर चेंज किया। यानी अगर आप क्रोमोसोम के हवाले से इस क्रोमोसोमल जेनेटिक्स को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि एक्चुअली जीन्स नहीं चेंज हुए, वो जो बच्चों में वैरायटी आ रही है, जो सिबलिंग्स में आपस में वेरिएशन है, सिबलिंग्स में यानी बहन भाइयों में आपस में डिफरेंस है, वो किसकी वजह से है, वो असल में क्रोमोसोम अपने सेगमेंट चेंज करते हैं जिसकी वजह से ये जो है वो वैरायटी आती है। और वो फिनोमिना उसको आपने क्या नाम दिया, मियोसिस का, विच मीन्स कि मियोसिस किसका हिस्सा है, साइटोलॉजी का, सेल साइकिल का हिस्सा है। तो आपको इनहेरिटेंस में मियोसिस के बगैर इम्पॉसिबल है कि आप इनहेरिटेंस पैटर्न तलाश कर सकते जब तक आप इन दोनों को कंबाइन नहीं करते। फिर इसी तरीके से जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिमिनेशन कह रहा हूँ, जेंडर जेंडर डिस्क्रिप्शन है, वो भी कौन करता है, वो क्रोमोसोम करते हैं। और इसमें जो है वो आप आमतौर पर ह्यूमन में कहते हैं जी एक्स वाई एक्स एक्स पैटर्न होता है मेल फीमेल का, ठीक है, ह्यूमन और ड्रोसोफिला में ऑलमोस्ट यही होता है, ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, और बहुत से और भी ऑर्थ्रोपोड में ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में ऐसा भी होता है, जेड 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 यानी मेल जो है उसके अंदर दो क्रोमोसोम सेम होते हैं और जो फीमेल होती है उसमें दोनों क्रोमोसोम, जो सेक्स पेयर के दोनों क्रोमोसोम हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऐसा आमतौर पर किसमें होता है, बर्ड्स में होता है, ठीक है, इसको मैं कल डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो तीसरा पैटर्न है उसमें आप ये देखते हैं कि जो मेल है उसके अंदर एक क्रोमोसोम नहीं होता। ऐसा मेल जो है वो, ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है वो आमतौर पे किस फाइलम में, आर्थ्रोपोड में, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेक्स पेयर का एक मिसिंग हो उसको आप जो है वो एक्स नॉट के नाम से जो है वो एक्स नॉट लेबल करते हैं, क्योंकि एक्स नॉट, बहुत से ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जिनके अंदर एक्स नॉट होता है यानी सेक्स पेयर का दूसरा पार्टनर होता ही नहीं है, और एक्स एक्स होता है तो उसको आप क्या क्या जो है वो डेजिग्नेशन देते हैं, फीमेल का डेजिग्नेशन देते हैं, बिकॉज इट क्रिएट्स द एग। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेट एंड डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम ये डिफाइन करते हैं कि उसका जो होगा, जो सेक्स होगा वो क्या होगा। फिर एक और चीज है जो जेंडर डिफाइन करती है, ये आप लोगों को बात पहले से पता है लेकिन इसको इसमें आपने कभी शायद शामिल ना किया हो, वो है सेट ऑफ क्रोमोसोम। सेट ऑफ क्रोमोसोम एक चीज आप पढ़ते हैं पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी में क्या होता है कि एक एग है, अगर वो बगैर फर्टिलाइजेशन के, पार्थिनोकार्पी नहीं कहनी चाहिए एनिमल्स में, उसको आप कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। अगर एक एग बगैर स्पर्म के जो है वो एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली वो एग है। एग में कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, हैप्लॉइड सेट होता है। अगर एग में हैप्लॉइड होता है और इसके अंदर माइटोसिस होकर वो इंडिविजुअल बन जाएगा विदाउट एनी स्पर्म, तो फिर जो है इसके अंदर हाफ सेट होगा क्रोमोसोम का, यानी ये हैप्लॉइड होगा। और बहुत से ऑर्थ्रोपोड्स ऐसे हैं जिसमें जो हाफ सेट होता है वो किन में होता है, वो मेल्स में होता है, खास तौर पे हनी बी की एग्जाम्पल ले लीजिए आप। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन में इसी का ऑपोजिट क्या होता है कि जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उनमें जो एक और इंडिविजुअल बनता है, लेकिन वो कौन होता है, वो फीमेल होती है जिसके अंदर कंप्लीट सेट मौजूद होता है, किसका, क्रोमोसोम्स का कंप्लीट सेट जो है वो मौजूद होता है। तो बात करने से मुराद क्या है कि हर दफा अकेला क्रोमोसोम जरूरी नहीं है, अकेला पेयर जरूरी नहीं है। मैं अब आपको सेक्स डिटर्मिनेशन की एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जेनेटिक्स की बुक देखिएगा बेंजामिन ए पियर्स की, उसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर है उसके पहले पेज पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो डक बिल प्लेटिपस है मैमल, उसके अंदर 10 क्रोमोसोम पेयर होते हैं जो सेक्स डिफाइन करते हैं, 10 क्रोमोसोम पेयर होते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने अभी हनी बी में पढ़ा कि अगर हाफ सेट हुआ तो मेल, अगर कंप्लीट सेट हुआ तो फीमेल, दो अगर डबल सेट हुआ, लेकिन डक बिल प्लेटिपस में 10 क्रोमोसोम होते हैं जो बकायदा इस बात को डेजिग्नेट करते हैं कि ये फीमेल है या मेल है, ठीक है। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये क्रोमोसोम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब यहां पर एक और चीज भी आपके सामने आएगी और वो क्या है, ह्यूमन में सिर्फ यही जो है वो डिटरमिन नहीं करते कि फीमेल बनेगी या मेल बनेगा। ये आप लोगों के एक और सवाल का जवाब होगा जो मैं अब आपको एक चौंका देने वाली बात बताने लगा हूं कि ह्यूमन में खास तौर पे क्रोमोसोम 1 जो है
उसके ऊपर एक जीन होता है और उस जीन को आप क्या कहते हैं, गालिबन MNR4 शायद उसको नाम दिया जाता है। यहां पर एक मिनट रुकिएगा, इस जगह पर जो है वो ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, अल्लाह अकबर, लिखा हुआ था। बहरहाल क्रोमोसोम 1 के ऊपर एक जीन होता है जो फीमेल पैटर्न को डिफाइन करता है। मैंने आप लोगों को उस दिन क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि दो तरह के जो केस होंगे उसमें फीमेल प्रोड्यूस होती है, एक होता है XX, ये नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, एक होता है X0, ये भी फीमेल है और इसके अंदर भी कैरेक्टर्स जो हैं वो फीमेल के होते हैं। एक होता है XY जिसमें Y काम नहीं करता, ये पर्सन भी किसकी तरह अपियर होता है, फीमेल की तरह। ये फीमेल की तरह क्यों अपियर होता है, क्योंकि ह्यूमन का जो क्रोमोसोम 1 होता है उसके ऊपर एक जीन होता है जो फीमेलनेस में पार्ट प्ले करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ आपके जो डबल एक्स जो है, लास्ट पेयर जो है यानी डबल एक्स का, सिर्फ वही फीमेल कैरेक्टर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि जो क्रोमोसोम 1 है वो भी फीमेल कैरेक्टर में पार्टिसिपेट करता है, और अगर मेल में क्रोमोसोम 1 ओवर एक्सप्रेस हो जाए तो उसमें फीमेल कैरेक्टर्स की अपेयरेंस हो सकती है। फीमेल कैरेक्टर्स की अपेयरेंस यानी वो पर्सन मेल है लेकिन उसके अंदर जो है वो कुछ उसके जैसे आवाज का जो है वो बहुत बारीक होना, इसी तरीके से बॉडी हेयर का रिड्यूस होना, वो क्रोमोसोम नंबर 1 पर जो एक जीन मौजूद है उसकी वजह से जो है वो ये कैरेक्टर आ सकता है। इसका मतलब ये है कि अब आपको यहां से पता लगता है कि बेसिकली क्रोमोसोम्स पूरी बॉडी के, यहां से एक और बात क्या साबित हो गई कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो भी मल्टीफैक्टोरियल है, यानी वो भी प्लियोट्रॉपिक हो सकती है। और जो मैंने लास्ट टाइम कल बात की थी, आखिरी लेक्चर छोड़ते हुए मैंने क्या बात की थी, मैंने कहा था कि हम आमतौर पर जेनेटिक्स पढ़ते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की, जब आप ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि जेनेटिक्स इज एक्चुअली ओवरऑल अ मल्टीफैक्टोरियल स्टडी। आप किसी एक कैरेक्टर की इंडिविजुअल जेनेटिक्स पढ़ के उस कैरेक्टर को बहुत अच्छा समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपको उस कैरेक्टर की सारी रीजंस का पता लग गया तो आप गलत हैं। क्यों? सारी रीजंस आपको तब पता चलेंगी जब आप जनरल जेनेटिक्स पढ़ेंगे जिसमें प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट होते हैं। तो आप यहीं से देख लीजिए, आप क्या कहा करते हैं, एक्स एक्स हो, एक्स नॉट हो, और जो एंड्रोजिन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम कल पड़ी थी, तीनों केसेस में जो जेंडर होता है वो क्या होता है, वो फीमेल होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में फीमेल कैरेक्टर कौन लाता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर 1 के जीन का भी पार्ट होता है। तो यहां से जेंडर डेफिनेशन का मतलब भी एकदम बदल गया कि वो सिर्फ उस सेक्स पेयर का काम नहीं है बल्कि उसके साथ साथ दूसरे कैरेक्टर्स भी। ये जो एक्स एक्स और एक्स वाई है ये तो बड़ी देर बाद जाकर डिस्प्ले होते हैं, सेकंड मंथ में जाकर डिस्प्ले होते हैं, उससे पहले जो जनरल बॉडी टाइप होती है वो फीमेल होती है, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, क्रोमोसोम नंबर 1 का जीन कंट्रोल कर रहा होता है। ये भी रिसेंटली पढ़ा मैंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी पिक्चर हमारे सामने चेंज हो जाती है कि एक्चुअली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डेफिनेशन जो है वो क्रोमोसोम से होती है और सिर्फ आखिरी पेयर से नहीं होती बल्कि इसमें मल्टीपल पेयर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये बेटा आपको कोई सवाल है तो बताइए। जी बेटा, बिल्कुल, हाँ जी जी बिल्कुल, इसका बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स है, इसमें जो है इट इज नॉट दैट मच सिंपल कि आप कहें कि वो जो जो जिस तरह से हम सिर्फ दो पेयर्स पे लाकर अपनी पूरी जो जेंडर जेनेटिक्स है वो दो पेयर्स पे लाके खड़ी कर देते, एक पेयर पे लाके खड़ी कर देते हैं ना, हमारी जो जो जेनेटिक्स इसमें हम जेंडर डिफाइन करना होता है वो हम एक पेयर पे लाके खड़ी कर देते हैं कि लो भाई इसी से डिफाइन होगा, ऐसा नहीं है।
जो जेंडर डेफिनेशन है वो जैसे जैसे स्टडी की जा रही है वो उतना ही मुश्किल है। इसका मतलब है कि कोई भी कैरेक्टर प्लियोट्रॉपी से खाली नहीं है। हाय हाय बच्चे फंस गए, फंस गए कि नहीं फंस गए? यहाँ पर जो है वो मुझे लगता है वो 10th एडिशन में नहीं लिखा हुआ, वो ना जो मेरे पास 11th एडिशन है उसमें वो जीन लिखा हुआ है, और पता नहीं क्यों मैं भूल गया हूँ उसका। MNR4 था शायद वो जीन, क्रोमोसोम नंबर 1 पे। क्रोमोसोम का नंबर याद है मुझे लेकिन वो जीन का नाम नहीं याद आ रहा। ये वही बेटा यहाँ पे बार बॉडी का भी बताया हुआ, जो कल परसों मैंने आपको बताया था कि एक्स को इनएक्टिव कर दिया जाता है जी। और कोई? मैं कोशिश करता हूँ मुझे मिल जाए लेकिन यहाँ नहीं है। ये बेंजामिन की बुक है, इसमें निकालते हैं हम वो, ये रहा डक्टल प्लैटिपस। इसमें जो है वो द प्लैटिपस सच हैज हॉजपॉज ऑफ मेमेलियन एवियन हॉजपॉज। अच्छा हॉजपॉज। फॉर मोस्ट मैमल्स वेदर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज मेल सेक्स क्रोमोसोम, मोस्ट फीमेल पोजेस टू एक्स क्रोमोसोम वेयर एज मेल हैव अ सिंगल एक्स एंड अ स्मॉलर सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड वाई। द प्लैटिपस पोजेस 52 क्रोमोसोम एंड अर्ली जेनेटिक्स इज ऑब्जर्व अ कंफ्यूजिंग मिक्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम इन मेल फीमेल प्लैटिपस इंक्लूडिंग एन अनयूजुअल चेन लाइक ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस। हाँ जी। ग्रुप ऑफ अदर साइंटिस्ट क्रिएटेड अ फ्लोरोसेंट पेंट्स टू मार्क द प्लैटिपस क्रोमोसोम सो दैट दे कुड फॉलो द बिहेवियर। प्लैटिपस पोजेस 10 सेक्स क्रोमोसोम्स, फीमेल प्लैटिपस हैव 10 एक्स क्रोमोसोम वेयर एज मेल प्लैटिपस हैव 5 एक्स क्रोमोसोम एंड 5 वाई क्रोमोसोम। लीजिए जनाब आपके सवाल का जवाब आ गया, यानी 5 एक्स पेयर्स फीमेल में और 5 एक्स और 5 वाई मेल में। ये जो मैंने मैंने जब पढ़ा ना ये, तो एट दैट टाइम माई माइंड वॉज रियली ब्लोन कि यार ये क्या मतलब, सेक्स डिटर्मिनेशन ऐसे भी हो सकती है। इवन एक और बात आप जी जी बोलिए जी, क्या मतलब? नहीं वो जाहिर है बिल्कुल पॉसिबल है, मतलब ये जो आप केस बता रही हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ये तो बिल्कुल इस बात की जो है वो पूरा पूरा इम्कान मौजूद है कि उसके पास टोटल 52 क्रोमोसोम हैं जिसमें से 42 ऑटोसोम्स हैं और बाकी 10 जो हैं वो सेक्स पेयर हैं। ठीक है, ऐसी सूरत में या सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ऐसी सूरत में जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उसके दरमियान में एबरेशन आ जाए और क्रोमोसोम इस तरह से टूट जाए कि वो 4 इधर या इस तरह से, ये बिल्कुल हो सकता है, ऐसा चांस मौजूद है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। जी बिल्कुल, वेरिएशन आएगी अगर वो बच जाए, अगर उसकी अबॉर्शन ना हो। ऐसे मौके पे आमतौर पर अगर पेरेंटल केयर ना मिले तो अबॉर्शन हो जाती है। हमारे यहाँ पे ऐसे बच्चे आमतौर पे क्यों बच जाते हैं? क्योंकि पेरेंटल केयर मिलती है। जो एनिमल्स है उसमें इतनी एफिशिएंट पेरेंटल केयर नहीं होती फूड्स वगैरह की, और दूसरी बात ये है कि अगर वो बच्चा पैदा हो तो ही पेरेंटल केयर होगी। आमतौर पर क्या होता है कि सेक्स पेयर्स में अगर गड़बड़ आ जाती है, इवन ह्यूमन में भी चंद केसेस के अलावा अगर सेक्स पेयर्स में गड़बड़ आ जाती है अबॉर्शन हो जाती है, बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बाकी एनिमल्स में भी होता है। ठीक हो गया। अच्छा इसमें मैं आपको एक और बताने लगा था, हाँ इसी बेंजामिन ए पियर्स की बुक में लिखा हुआ है कि मेल और फीमेल जेंडर में फर्क जो है वो एनवायरमेंट भी करता है, जैसे बहुत से ऐसे वो होते हैं और बिहेवियर भी करता है। मैं दो एग्जांपल्स आपको देने लगा, सेक्स डिटर्मिनेशन के क्योंकि बात आई हुई है तो इसको क्रोमोसोम से हटा के हम इन्वायरमेंट में जब लेकर आते हैं तो आपको पता लगता है कि बहुत से एनिमल्स जब एक क्लस्टर में एग देते हैं ना, तो सबसे नीचे वाले जो होते हैं वो मेल बन जाते हैं और सबसे ऊपर वाले फीमेल बन जाते हैं, दोनों का क्रोमोसोमल कैरियोटाइप सेम होती है, क्रोमोसोमल कैरियोटाइप में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जो इन्वायरमेंट की वजह से ये जो चेंज आता है ग्रेडियंट का, नीचे जहां टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है वो मेल और ऊपर जो थोड़ा सा कूल है वहां फीमेल्स बन जाती है। ठीक है, ये इसी में इसी चैप्टर में आगे लिखा हुआ है, जो चैप्टर मैंने अभी अभी अभी, अभी आपको बेंजामिन एपियर्स का बताया। फिर इसी तरीके से एक होता है बिहेवियरल सेक्स डिटर्मिनेशन,
वो क्या है कि अगर किसी एक कबीले में, खास तौर पे जो सी हॉर्स होता है, सी हॉर्स जो हिप्पोपोटेमस की बात नहीं हो रही, दूसरे वाला जो मेरीन ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर अगर उसकी फीमेल मर जाए और उसके कबीले में कोई दूसरी फीमेल ना रहे, तो एक मेल अपने अंदर कैरेक्टर्स का चेंज ला के अपनी फिनोटाइप फीमेल वाली कर लेता और वो फीमेल बन जाता। जी, तो ये बिहेवियर, ये बिहेवियरल है। तो इस तरह से भी सेक्स डिटर्मिनेशन होती हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का वो जो महदूद कॉन्सेप्ट है, उसको, वो जो छोटा सा कमरा था उसको मैदान बना लीजिए। और ये जहन में रखिए कि पेयर्स भी हैं, पेयर्स के अलावा और क्रोमोसोम्स भी हैं, मोर देन वन पेयर्स भी हैं, और हाफ सेट और डबल सेट भी है, जब पार्थेनोजेनेसिस वाला पढ़ा है, इन्वायरमेंटल भी है और बिहेवियरल भी है। जी बेटा, बस आज के लिए इतना ही बहुत है। मेरा जो है ना वो बिल्कुल सर में काफी दर्द हो